दोस्तों आज की वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, क्यों? क्योंकि आज हम जा रहे हैं सिलेक्ट सिटी वॉक और मेरे साथ है हमारे विषम भाई। बहुत टाइम हो गया था हमारी टीम एक साथ शॉपिंग करने नहीं गई थी, तो आज हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं। और जैसा प्रिंस भाई ने बताया कि हम लोग अब जा रहे हैं सिलेक्ट सिटी वॉक, और आज आई गेस हम लोग जितने भी फुटवेयर ब्रांड है सबके तो नहीं ले पाएंगे, हमारे बहुत सारे लोगों के सजेशन आए हुए थे कि ये शू लो या इस शू का रिव्यू करो। तो हम लोग जा रहे हैं सिलेक्ट सिटी वॉक और चेक करते हैं कि कौन सा शू अच्छा लगता है अपनी अगली वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो चेक करी होगी, उसमें पूरे डिटेल में हमने उस गिव अवे के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने पिछली वीडियो का, आप उस वीडियो पे जाएं और वो गिव अवे को चेक करें कि क्या है। बहुत बड़ा गिव अवे है, बहुत इजीली आप लोग सब लोग जीत सकते हो और बहुत मजा आने वाला है। अभी पूरा मॉल टूर भी करवाएंगे हम आप लोगों की, मॉल में कौन कौन से ब्रांड्स हैं, तो आज जाके चेक करते हैं। और ये वाला शू प्रिंस तू मेरे को गिफ्ट कर रहा है ना भाई? भाई का बर्थडे था, वो बर्थडे गिफ्ट होगा मेरी साइड से मिसम को। और आज मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है एक महीने के बाद, और ये आई गेस प्रिंस की मेरे को चलाकी लग रही है क्योंकि अब इसका बर्थडे आने वाला है, तो एक शू देखिए मुझे बच जाएगा और फिर मेरे को इसे गिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तू मेरे को दिला रहा है, वो मेरी मर्जी है कि मैं दूं या ना दूं, वो एक अलग स्टोरी होगी। ठीक है, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं आज का जूता, लेकिन तू इतना लगा मेरे को देख रहा हूं कितना होशियार हो रहा है, गिफ्ट लेना चाहता है देना नहीं चाहता, गंदा इंसान है। भाई जैसा एज यूजुअल दिल्ली में ट्रैफिक होता है, हमें हाफ एन आवर प्लस हो गए, हम अब तक सिलेक्ट सिटी वॉक नहीं पहुंच पा रहे। मिसम भाई टाइम के बहुत पंचुअल है, 3 बजे हमें मिलना था और अब 6 बज चुके हैं। ठीक है, जो ट्रैफिक है ना भाई, थोड़ा सा वजह है, थोड़ा सा लेट हुआ भाई, थोड़ा सा लेट, 3 घंटे लेट, ये इंसान थोड़ा सा लेट है, एक मूवी खत्म हो जाती है। टाइम को कैसे वेस्ट करना है, अगर आपको सीखना है तो हमारे मिसम भाई से सीखिए। नहीं नहीं, इट इज नॉट अबाउट टाइम, शाम में मॉल में अच्छा लगता है, हम दोपहर में आते खाली खाली से रहता, बंदे खाली में बैठे रहते, शाम में थोड़ी भीड़ भाड़ होगी, चहल पहल होगी, मॉल में मजा आएगा। तो चहल पहल देखने के लिए आप किसी को सच भी हो सकते ना, मैं 3 बजे से रेडियो के बैठा हूँ कि मैंने भाई आ रहा है, भाई आ रहा है। को अगर मैं बोलता कि 6 बजे जाना है तो ये तैयार होता 7 बजे, हम निकलते 8 बजे, तो मेरे को थोड़ा सा बफर टाइम लेके चलना पड़ता है, मेरे को इंसान की पहचान है ये क्या करने वाला है। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है, सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल हमारे सामने है और अब जाते हैं देखते हैं क्या क्या चीजें मिल रही हैं अपने को। ये जो इसका मतलब बांधा है ना, वॉल 2.0 पे मतलब फैब्रिक से बना हुआ, ताकि मतलब लाइट वेट शूज रहे। मल्टीपल स्टोर्स पे विजिट करते हो हमारे एडिडास के स्टोर में, और यहाँ पे हमने बहुत अच्छी चीज़ देखी है, कस्टमाइज योर स्नीकर। जो भी आप स्नीकर लवर है, अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है स्नीकर्स पे, यहाँ पे कोड सेट करके एक कंपनी है जो आपके स्नीकर्स को कस्टमाइज करती है आपके अकॉर्डिंग। आप कार्टून लवर है, प्रिंट आपको अपने शू पे चाहिए, तो उसके लिए आप साकेत सिलेक्टिव ओके एडिडास स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। आई थिंक एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्नीकर्स हैं और रनिंग शूज़, ट्रेनिंग शूज़, हर टाइप के शूज़ यहाँ पे मिलेंगे और वराइटीज़, मतलब जिसको नाइकी शूज़ में वराइटीज़ चाहिए ना, तो सिलेक्ट सिटी वॉक के इस स्टोर पे विजिट करें। और यहाँ पे शू की कस्टमाइजेशन यहाँ पे भी अवेलेबल है, जैसा कि एडिडास में भी थी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने स्टूडियो पे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रिंस भाई ने मेरे को ये नाइकी का शू गिफ्ट किया है, तो मैं आप लोगों के सामने शू को अनलॉक करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा क्यों मैंने सारे ब्रांड्स को छोड़ के ये नाइकी वाला शू सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि प्रोडक्ट ऐसा परचेज करो जो सालों साल चले,
सेम चीज नाइकी ने भी एक्सेप्ट करी और उन्होंने भी यही किया कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो सालों साल चले। यस, जब सालों साल से मैं बात करता हूँ, नाइकी पेगासस 41 जो हम शू लेके आए हैं, ये शू नाइकी ने 40 ईयर्स पहले बनाया था, मतलब ये 41st ईयर है इस शू का और ये लगातार 40 सालों से नाइकी का वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट रहा है और आई कैन से कि ये एक की प्रोडक्ट है जिस जो नाइकी का एज अ पिलर वर्क कर रहा है और पूरा का पूरा नाइकी ब्रांड कहीं ना कहीं इस शू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इस शू की तरफ, मैं आपको बताता हूँ इस शू में ऐसी क्या क्या खासियत है जो इस शू को बेस्ट शू बनाती है। बढ़ते हैं इस शू के फर्स्ट लुक की तरफ। जैसा कि आप इस शू का लुक देख सकते हैं कि इट इज वेरी ब्यूटीफुल और आई मस्ट से कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग रनिंग शू है, मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पेगासस सीरीज की पूरी वीडियो बनाई हुई है, पेगासस 37, 38, 39, 40 हमारा मिसिंग था समाओ किसी रीजन की वजह से, बट मिस भाई ने मेरे को 41 गिफ्ट करके वो सीरीज को कंटिन्यू किया है। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो का लिंक हमने दे रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं इस शू की हिस्ट्री और जो पुराने वर्जन के बेनिफिट्स थे, पुराने वर्जन में जो टेक्नोलॉजी थी। हाँ, तो हम पढ़ते हैं शू के फर्स्ट लुक की तरफ। शू लुक वाइज इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा शू है, स्लाइटली वेटेड है बट मैनेजेबल है, एक रनिंग शू के हिसाब से बहुत अच्छा शू इन्होंने बनाया है। बात स्टार्ट करते हैं इस शू के अपर से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेगासस सीरीज में नाइकी इंजीनियर्ड अपर को यूज करता है और ये पिछले कई सालों से यूज हो रहा है, इस बार भी उन्होंने इंजीनियर्ड अपर को यूज किया है बट एक बहुत अच्छी चीज करी है। जैसा कि आप इसके ये फ्रंट एरिया में देख सकते हैं, यहाँ पे परफोरेशन होल बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने ऑनलाइन रिव्यू चेक किया था, उन्होंने पेगासस 40 में जो बताया था वो एक प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पैरों में स्वेटिंग का इशू आ रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में पैर बहुत ज्यादा हीटअप हो रहे थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नाइकी ने इस बार अपने मैश को अपग्रेड किया है, ज्यादा लाइट वेट किया और ज्यादा ब्रीदेबल किया है, वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इस शू में ब्रांड प्लेसमेंट की, लेटरल साइड में आइकॉनिक शू स्टाइल जो इनके ऑलमोस्ट सारे शूज में होता है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जब मीडियल साइड की बात करते हैं तो मेरे को पर्सनली ये वाला लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा बहुत बढ़िया तरीके से लोगो प्लेसमेंट है और यहाँ पे भी आप देखें कि मैश जो है काफी ब्रीदेबल है, आपके पैरों को स्वेट फ्री रखने वाला है, तो ग्रेट जॉब बाय नाइकी। तो बढ़ते हैं इस शू के मिडफुट लॉक की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाइकी अपनी फ्लाई वायर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था बट पिछले कुछ सालों से नाइकी ने उस टेक्नोलॉजी को एलिमिनेट कर दिया है पेगासस सीरीज में और उसकी जगह पे यहाँ पे फ्लाई बैंड दिए हुए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं लेसिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से कि जैसे ही आप लेस को टाइट करेंगे ये पूरे के पूरे मिडफुट को आपका एक बहुत अच्छा एक लॉक प्रोवाइड करता है और रनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल मेरे को दिखाई दे रहा है और एट द सेम टाइम जब हम इसको देखते हैं शू टंग अंदर से कनेक्टेड है और ये बहुत अच्छा स्नग फिट प्रोवाइड करने वाला है। तो जब हम देखते हैं इसके शू कॉलर को, नाइकी पेगासस सीरीज का शू कॉलर किसको नहीं पसंद आता है, वन ऑफ द बेस्ट शू कॉलर मैं इसको कंसिडर करता हूँ। इसमें कुशनिंग बहुत अच्छी दी हुई है, ये पैरों में बहुत ही बढ़िया फिट प्रोवाइड करने वाला है। ये वाला जो इसका डिजाइन है ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि यार ये क्या ही बना दिया। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो ये है कि आप कई बार आपने फेस किया होगा जब आप शू पहन के रन करते हो वॉक करते हो आपके बैक साइड जो होता है पैरों का वहां पे शू बाइट होता है, वहां पे कट लग जाता है, ये डिजाइन उसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए किया है। ये आपके पैरों में यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फिट प्रोवाइड करता है और पैर में जो आपके शू बाइट होता है वो चीज इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं इस शू के हील काउंटर की तरफ। बहुत बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग हील काउंटर दिया और ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आपके पैरों को यहां से इस पर्टिकुलर एरिया से बहुत अच्छा होल्ड देने वाला है और ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में बहुत बढ़िया और कंफर्टेबल आपको फिट देने वाला है। पर्सनली इस बार मेरे को पेगासस 41 की एक चीज बहुत अच्छी लगी है, वो है इस शू का इनसोल जो कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। बहुत ही अच्छा बहुत ही कंफर्टेबल इंसोल ब्रांड ने बनाया है, ऑलमोस्ट 0.5 mm का इस इंसोल का थिकनेस है जो कि एक अच्छा कुशन प्रोवाइड करता है और ये जो इसके ऊपर लाइनिंग दी हुई है इससे अच्छी चीज क्या है, आपका पैर शू के अंदर इन स्लिप नहीं होएगा, स्वेट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहेगा और कुशनिंग तो ये देने ही वाला है। तो हम बात करते हैं रनिंग शू के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो कि होता है उसका मिडसोल। नाइकी ने फर्स्ट टाइम पेगासस सीरीज में रिएक्ट एक्स फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था पेगासस 37 में कि नाइकी ने उस टाइम एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है नाइकी रिएक्ट, बट ब्रांड ने उसको और ज्यादा अपग्रेड किया और इस बार इन्होंने बनाया नाइकी रिएक्ट एक्स फॉर्म। एज पर द ब्रांड ये अभी तक की उनकी सबसे ज्यादा कुशन सबसे ज्यादा एनर्जी रिटर्न प्रोवाइड करने वाली फॉर्म है जो कि हाथ लगाने से मेरे को फील भी हो रहा है, मैंने इस शू को ट्राई भी करके देखा तो आई कैन से कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा कुशन्ड है। तो ये बात तो थी नाइकी के मिडसोल फॉर्म के बारे में।
अब हम बात करते हैं इसकी आइकॉनिक टेक्नोलॉजी जो कि है एयर जूम। और नाइकी अभी तक अपनी रूट से कनेक्टेड है पेगासस सीरीज में, वो टेक्नोलॉजी आज तक बंद नहीं हुई है। इस शू में भी पिछले शूज की तरह एयर जूम यूनिट्स दिए हुए 4 फुट और हील एरिया में। आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ये एयर जूम यूनिट होती क्या है, तो हमने एक शू का अपने पोस्टमार्टम करके दिखाया था, हमने पूरा शू कट किया था और आपको दिखाया था कि ये एयर जूम टेक्नोलॉजी है क्या। जैसा कि आप इस शू में देख सकते हैं, हमने वोमेरो शू को कट किया था और इसकी सारी की सारी एयर जूम यूनिट हमने बाहर निकाली थी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप प्लीज उस वीडियो को देखें और एयर जूम टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। तो यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इस शू में भी 4 फुट और हील एरिया में एयर जूम दिया है जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव कुशनिंग प्रोवाइड करता है और आपको एनर्जी रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए बहुत अमेजिंग, बहुत कंफर्टेबल चीज होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं इस शू के आउटसोल के बारे में। जैसा कि आप इस शू के आउटसोल को देख सकते हैं, नाइकी का जो ओरिजिनल स्टाइल है वफल पैटर्न, बिल बाउरमैन ने जो 1970s में इन्वेंट किया था अपने पैटर्न के साथ, वो आज तक जुड़े हुए हैं। और ये पूरा का पूरा आउटसोल वफल पैटर्न के साथ डिजाइन किया हुआ है जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और एक अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूँ, अच्छी भी बोलूंगा इसको, थोड़ा सा यूनिक भी बोलूंगा, वो इस शू के आउटसोल के पैटर्न में है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके आउटसोल में यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे थोड़े से होल्स दे रखे हैं और हील एरिया में वो होल्स बिल्कुल भी नहीं है। इनके देने का जो एक मेन पर्पस है वो है इस शू को ज्यादा लाइटवेट बनाना, इस शू को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, इस शू को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अकॉर्डिंगली डिजाइन करना। तो इस शू का ट्रैक्शन, इस शू का ग्रिप, इस शू की ड्यूरेबिलिटी बहुत अमेजिंग होने वाली है जो कि मैं इसको टच एंड फील करके बता सकता हूँ। तो गाइज, ये तो था ओवरऑल एक रिव्यू इस शू की टेक्नोलॉजी, इस शू के रिव्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं इस शू के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस शू का वेट कितना है। यूके 10 साइज 309 ग्राम का है जो कि एक यूके 10 साइज के लिए डिसेंट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट तो नहीं कहूंगा बट एक रनिंग शू के हिसाब से बहुत बढ़िया वेट है। तो हम बात करते हैं इस शू के ऑफसेट के बारे में। इस शू का हील हाइट है 34 mm और 4 फुट हाइट है 22 mm, विच मींस कि इसका ड्रॉप सेट जो आता है दैट इज 12 mm एज कंपेयर टू पिछले वाले में, इसमें 2 mm का ज्यादा ऑफसेट दिया हुआ है। ये शू बहुत अमेजिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि अपनी हील पे ज्यादा लैंड करते हैं, हील पे ज्यादा रन करते हैं। एट द सेम टाइम जो 4 फुट रनर होते हैं उनके लिए शायद ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, बट ब्रांड ने इस बार ऑफसेट को 2 mm ज्यादा किया है। लास्ट वाला जो पेगासस था उसमें सिर्फ 10 mm का ऑफसेट था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक ओवरऑल रिव्यू नाइकी पेगासस 41 का। ये शू हमने परचेज किया था नाइकी सेलेक्ट सिटी स्टोर से। मेरे को तो भैया शू फ्री में मिला था, आपको नहीं मिलेगा। आपका कोई फ्रेंड हो अगर प्रिंस जैसा जो आपको गिफ्ट कर सकता है तो आपको ही फ्री मिलेगा। ये शू मेरे को प्रिंस से दिलाया था 11,895 rupees का। इस शू के 8 colors वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल थे जब हमने परचेज किया, सारे कलर बहुत ही अच्छे थे बट पर्सनली मेरे को ब्लू कलर अच्छा लगा, प्रिंस भाई का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने मेरे गिफ्ट कर दिया। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, प्रिंस भाई का बर्थडे बहुत पास है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं प्रिंस भाई को कौन सा शू गिफ्ट करूं ताकि हम उसकी वीडियो बना के आप लोगों के सामने आए। तो प्रिंस भाई का गिफ्ट आप लोगों पे डिपेंड करता है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं प्रिंस के लिए कौन सा शू लूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।